माता अहिल्या देवी जिन्होंने एक शासिका किस प्रकार से शासन चला सकती है उसका बहुत उत्तम उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अपने 28 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके से समाज के सभी लोगों का विकास हो ऐसा उन्होंने प्रयास किया, तो पूरे भारत में सभी जगह जिस प्रकार से धर्मार्थ कार्य उन्होंने किए, एक प्रकार से परकीय आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया था उसको पुनर्स्थापित करने का काम उन्होंने अपने 28 साल में किया और इसलिए हम सभी के लिए वो वंदनीय है। आवश्यकता थी तो लड़ाई की, आवश्यकता थी तब शासन चलाया, आवश्यकता थी तब पुण्य कर्म किया, लेकिन पूरा जीवन समर्पित जीवन उन्होंने व्यतीत किया।